हाय गाइस, तो हम लोग फाइनली मदीना पहुंच गए और यहाँ पे उबर और ओला की फैसिलिटी भी थी, पर काफ़ी लेट आती है और इसलिए हम लोग ने प्राइवेट कैब कर लिया। और यहाँ पे हम अपने होटल देख रहे थे, काफ़ी अच्छे होटल है और रिजनेबल है, 300-400 रियाल्स पर नाइट है। और होटल में चेक इन करने के बाद हम लोग मदीना हरम शरीफ की तरफ निकल गए, अच्छे से नहा धो के फ्रेश होके। और ये देखो आप, अंदर से इतना सुकून मिलता है, इतना प्यारा एकदम ठंडक, बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही अच्छा। मेरा फुल एडवेंचर टाइप ट्रिप था, बहुत ज़्यादा सुकून आ रहा है। अभी वीडियो ऑडियो डालते टाइम भी मुझे याद आ रही है मेमोरी, और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे ये अंदर मैं आ गई, ये अबाया और दुपट्टा मेरी नेबर ने मुझे दी थी, क्योंकि मेरा थोड़ा ठीक था, अच्छा वो उसने मुझे लास्ट मोमेंट पे लाके ऐसे ही दे दी थी। और यहाँ पे काफ़ी गर्मी थी बाहर, हरम शरीफ में नहीं पर बाहर बहुत गर्मी थी। ये देखिए आप कितना प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे रियाजुल जन्ना में भी मुझे अपॉइंटमेंट मिल गया था, तो मेरा वहाँ पे भी बहुत अच्छे से सब हो चुका था, अंदर नमाज इबादत सब अच्छे से हो गई थी। वहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक टाइम होता है तभी जाना पड़ता है, विदाउट अपॉइंटमेंट आप रियाजुल जन्ना नहीं जा सकते हो। तो यहाँ पे तो सब अच्छे से हो गया, नमाज दुआ सब कर लिए, और हम लोगों को सुबह निकलना था, तो इसलिए हम लोग ने यहाँ होने के बाद हम लोग ने अच्छे होटल चेकआउट किया जहाँ पे हम लोग खाना खा सके। तो हम लोग ने हैदराबाद हाउस करके एक होटल है, हम लोग सोचे वहाँ चले जाते, वहाँ पे खाना खा लेते, तो हम लोग वहाँ के लिए निकल गए। ये देखिए ये है वो होटल, और हैदराबाद हाउस करके थी, और यहाँ का खाना इतना ज़्यादा टेस्टी था, अंदर से पूरा एम्बियंस ऐसा लग रहा था हैदराबाद की कोई अच्छे होटल में बैठे। सबका सेपरेट सेक्शन था यहाँ पे अंदर खाना खाने के लिए, और खाना भी मतलब प्रॉपर हैदराबादी फूड था, मतलब जैसे हैदराबाद में मिलता है। हम लोग ने बहुत सारे वहाँ की स्टाइल के डिशेस मंगाए थे, लाइक सूखा मटन और खट्टा वो चिकन, ऐसे सब सब टाइप का मंगाए थे, और बहुत टेस्टी था बिरयानी। बिरयानी दो लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर कर दिए थे, पर क्या करें, अच्छा लग रहा था, मतलब सब देख के समझ में नहीं आता कभी कभी ऑर्डर क्या करें तो ज़्यादा ऑर्डर हो जाता है। तो ये एम्बियंस थोड़ा सा मैं रिकॉर्ड कर रही थी, क्योंकि काफ़ी मुझे बहुत प्रीटी लगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा। अपना अपना सेक्शन था, एक में 4-5 लोग बैठ सकते थे, पर हम लोग 2 ही थे। ये हम लोगों ने कुछ खाना मंगाया था, रायता बिरयानी सालन, और मतलब बिरयानी इतनी टेस्टी थी, कुछ अलग टाइप की थी। ये देखो बिरयानी और नान रोटी कुलचा रोटी सब मंगा लिया था, बहुत सारी डिशेस मंगाए थे। ये स्टफ पराठा था और काफ़ी टेस्टी था, अगर आप मदीना जाते हो तो प्लीज़ यहाँ चेकआउट एक बार तो जाना। फिर हम लोग मस्जिदुल कुबा चले गए थे, सब बोल रहे थे यहाँ पे 2 रकात नमाज का सवाब, 1 उमरा का सवाब था, तो यहाँ तो जाना बनता था। तो हम लोग यहाँ पे भी गए, इबादत करें, नफिल पढ़े, बहुत ही सुकून, बहुत ही मज़ा आया। और फिर हम लोग सुबह अपने घर के लिए रिटर्न निकल गए, और बुलेट ट्रेन का सफ़र था, बहुत ही इजी, बहुत ही कंफर्टेबल सफ़र था, और एकदम आराम से हम लोग अपने घर के लिए घर पे पहुंच गए थे। तो बस दोपहर में निकले थे, पूरा होने के बाद कल सुबह दूसरे सुबह अपने घर पहुंच गए थे, बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छा ट्रिप था। थैंक यू सो मच, बाई।